बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिलासार, मैं हूँ यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल जिसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अभी नंबर गेम पूरी नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ बैठने को इसलिए तैयार है कि अभी तक की जो इतलात है मुज़ाकरात में कहीं थोड़ी बहुत पेशरफ्त होती दिखाई दे रही है कि पीपल्स पार्टी ने दोबारा से गौर करना शुरू कर दिया है कि हम मशवरा करके सीईसी के इजलास में दोबारा मामले को रखेंगे कि आया हम काबीना का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी हिस्सादारी मांगी हुई है, सदर के मामले पर भी बात है, चेयरमैन सैनट के मामले पर भी बात है, स्पीकरशिप के मामले पर भी बात है। तो सारी की पोस्ट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मांगती तो है लेकिन अपोजिशन बेंच में बैठने की बात करती है। उधर दूसरी तरफ उमर अयूब साहब जो हैं वो आज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा कर गए हैं कि वफाक और पंजाब में हुकूमत जो है वो हम बना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी बात हो चुकी है, तो पंजाब और विफाक में हुकूमत किस तरीके से बनेगी, इसी से बात का आगाज करते हैं। राणा साहब की तरफ बढ़ते हैं। राणा साहब, आज की डेवलपमेंट क्या है? अगर मंजरनामा देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें तो कल जैसी गर्मा गर्मी तो नहीं है, लेकिन पसे पर्दा हकायक क्या चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ठीक है सर, आज की जो डेवलपमेंट है वो कल से परी डेवलपमेंट्स है। मैं आपको खबर दे देता हूं कि पीपल्स पार्टी वफाक पे वजारतें लेगी, ये आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा। मुस्लिम लीग नून ने जिस वफद को भेजा था और आज मुस्लिम लीग नून के जो लोग बैकडोर रबते हुए हैं और उन रबतों में जो जो शामिल था उसमें यह तय हुआ है कि अगर आपने सदर की सीट लेनी है, अगर आपने स्पीकरशिप लेनी है, तो आपको हर सूरत में वफाक के अंदर वजारतें लेना होंगी, जिसमें यह तय हुआ है कि फौरी तौर पर अगर वो वजारतें नहीं भी लेते तो चंद रोज बाद वो वजारतों का हिस्सा बन जाएंगे, कमेटियों के चेयरमैन भी बन जाएंगे और वजारतें भी लेंगे। एक तो आपको मैं बड़ी खबर ये दे दूं। सही। दूसरा, तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का केपीके में जो इजलास हुआ है उसमें उन्होंने अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा कर दिया, ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट। और तीसरी डेवलपमेंट यह है कि लोटों का रास्ता बंद हो गया है कि पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है, जो अहमद रजा साहब है जिन्होंने राजा रियाज के बेटे को शिकस्त दी थी, उनकी पार्टी में बाकायदा आजाद उम्मीदवार शामिल होने लगे हैं और बाकी चैनल तो ये चला रहे हैं ना जी कि अभी एफिडेविट जा रहा है, फार्म जा रहे हैं। मेरे पास फार्म भी मौजूद है, उसकी कॉपी भी मौजूद है और नोटिफिकेशन जो भी होगा वो तो इलेक्शन कमीशन ने करना है, लेकिन तमाम के तमाम जो अफराद हैं उनके तकरीबन जो मुकम्मल कागजात है जिसमें एफिडेविट है, जिसमें एक एप्लीकेशन है, ये सारा कुछ जो है वो इस्लामाबाद पहुंच चुका है और कल सुबह आपको नजर आएगा कि इलेक्शन कमीशन में वो तमाम चीजें जमा हो जाएंगी, जिसके बाद पाकिस्तान की सियासत में एक नया दौर शुरू होगा और सेनेट का इजलास भी सदर पाकिस्तान ने बुला लिया है। ये सारी चीजें जो है ये एक दिन पहले होने वाली हंगामा आराई जो है, एक दिन पहले होने वाले सारे मामला जो है उनसे कई गुना ज्यादा बढ़ के हैं। अब चूंकि दोस्त एक सियासी जमात के गले में फंदा डाला जा रहा था और एक सियासी जमात मजे ले रही थी और इख्तदार का हिस्सा भी रहना चाहती थी, अब किसी तरफ से ये हदायतनामा मिल चुका उन्हें कि आपने भी बाकायदा वजारतों में आना। जाहिर ये जितना मर्जी कहें कि हमारी हमारा ये फैसला हो चुका है, लेकिन इन्हें सदर की सीट लेने के लिए फिर उस फैसले को रिवर्स करना पड़ेगा और सदर की सीट लेने के लिए इन्हें मुस्लिम लीग नून जो है उसकी बात मानना पड़ेगी और वो फंदा जो महंगाई का फंदा है, वो फंदा जिसमें अवाम के अवाम ने इनके खिलाफ जाना है, वो फंदा इनको भी अपने गले में डालना पड़ेगा। ये मैं आपको बड़ी डेवलपमेंट दे रहा हूँ और मेरे पास ये खबर जो है सदका जराए से आई है और इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी के अंदर एक बड़ा ग्रुप है वो तो पीपल्स पार्टी को कह रहा है कि आप बेशक किस पे डट जाएं और आप जो अगर आप डट जाते हैं तो आपके बगैर ना कोई सदर बन सकता है, ना आपके बगैर कोई स्पीकर बन सकता है, आप डट जाएं ये वक्त है। लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर एक ग्रुप ऐसा भी है जो किसी सूरत में भी डटने के लिए तैयार नहीं है, वो हर सूरत में जो है वो मुसालहत चाहता है और हर सूरत में जो है वो अपना हिस्सा लेना चाहता है और अपना हिस्सा लेने के लिए अगर उसे अवामी दरिया के अंदर डूबना पड़ता है, अवाम के मुजाहमत का सामना करना पड़ता है, अवाम की मुहालफत का सामना करना पड़ता है, अवाम के अंदर अपना वोट बैंक कम करना पड़ता है, तो उसके लिए भी वो तैयार है। ये मैं आपको बड़ी डेवलपमेंट। अच्छा राणा साहब, बलोचिस्तान की सूरत हाल क्या बनती दिखाई दे रही है? बलोचिस्तान के अंदर ना ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुश्तरका तौर पे हुकूमत बनाएंगे और मौलाना साहब भी उसमें अपना हिस्सा डालेंगे। वज़ीर आला किसका होगा?
हो सकता है सेनेट से गया हुआ कोई शख्स वजीर आला हो जाए। सेनेट से गया हुआ? हाँ ये भी हो सकता है। अच्छा तो अगर ये जो आईनी ओहदे मांगे जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, क्या इन आईनी ओहदों के देने पे पीएमएलएन रजामंद हो जाएगी या यहाँ पे कुछ सेटअप तब्दील होगा? नहीं इस पे यही हो रहा है कि आप वजारतें ले लें, हम आपको आईनी ओहदे दे देते हैं। बड़ा सिंपल सा है, सिर्फ फड्डा पड़ेगा जाके तो पड़ेगा सेनेट में, फड्डा सेनेट में पड़ेगा, इसके अलावा किसी जगह नहीं पड़ेगा। और वो वाजे तौर पर कह रहे हैं कि अगर आपने आईनी ओहदा लेना है और हमारी अगर एक चीज पे हमायत कर रहे हैं और हमसे हमायत मांग रहे हैं तो हम फिर कहते हैं कि मुकम्मल हमायत हमसे भी लें। ये नहीं ना हो सकता वो कहते हैं कि हम ये कह दें कि जनाब हम आपको स्पीकर पे तो वोट दे देंगे लेकिन सदर पे नहीं देंगे। वो कहते हैं अगर आपने सदर, स्पीकर और किसी और जगह पे अपना ओहदा लेना है तो इसके लिए फिर आपको हुकूमत में अपना हिस्सा लेना होगा। हुकूमत के इतिहादी होने के नाते सिर्फ हमारी हमायत नहीं करनी होगी बल्कि वजारतें भी लेना होगी ताकि अवाम की गैसो गैसो गजब का जो सामना करना पड़ेगा वो हम दोनों को जमातों को करना पड़े। आप ये ना करें कि हमारा साथ भी देते हो साथ हो भी ना और बाद में पता चले कि हमारे खिलाफ जो साजिश हो रही है उसका आप हिस्सा है। ठीक, यानी जो आपने खबर दी है कि वो आजाद उम्मीदवार जो हैं वो पहले MWM में जाना चाहते थे लेकिन अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ बातचीत हो गई, इस जमन के अंदर ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। कल का दिन जो तुलू होगा उस पे इस पे बहुत सी राय मुतजाद जो आ रही थी पहले वो खुल के सामने आना शुरू हो जाएंगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बात कर चुके हैं, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उमर अयूब साहब ने जो आके पंजाब और वफाक के अंदर हुकूमत बनाने का दावा करती है, वो कह रहे हैं कि हम अपनी हुकूमत बना रहे हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत बनाने के हवाले से कुछ पेशरफ मंजर आम के ऊपर आई है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब क्या सोच रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस तरफ मायल किया जाएगा कि कैबिनेट की हिस्सेदारी ले लें, आपको हुकूमत का हिस्सा बनना चाहिए, या वो ख्वाजा आसिफ साहब वाला जो ज़राए बयान देते हैं कि उन्होंने जो इंडिया दिया है कि हम अपोजिशन बेंचेस में भी बैठ सकते हैं, यानी नंबर गेम्स अभी तक पूरी क्यों नहीं हो रही? रफ्ता रफ्ता दिन गुजरते जा रहे हैं और दिन गुजरने के बाद हुकूमत साजी का अमल जब शुरू होगा, अगर सभी वफाक लेने के ख्वाहिशमंद हैं और सभी अपोजिशन बेंचेस में भी बैठने के ख्वाहिशमंद हैं तो ऐसे वक्त में ये जो दाव पेच हैं ये चलाते हुए नंबर गेम्स को पूरा करने के लिए तगड़ो किस तरफ से होगी, इसी बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना एहसान अफजल साहब, क्या समझते हैं अभी तक की सारी चीज़ें, इल्जामात और इल्जामात की तहकीकात, नित नई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, रोजाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ खबर आ जाती है, अभी तक ये जो पुरानी सियासी जमातें हैं वो इस बात का तहैया क्यों ना कर पाई कि डायरेक्शन क्या है और कहाँ पर जाके बैठना है, किसके साथ बैठना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें PMLN ने तो स्टेप अप किया अपनी जिम्मेदारी, जो मुल्क जिस दराए पे खड़ा है जहां माशी और सिक्योरिटी के बहुत संगीन चैलेंजेस हैं, हमने कहा कि हम लोग इस कोएलिशन को लीड करेंगे और लीडिंग पार्टनर होंगे। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि जो बाकी पार्टनर्स हों कोएलिशन के वो बैक सीट पर बैठें, आईनी ओहदों को इंजॉय करें और काबीना का हिस्सा ना बनते हुए कहें कि हम सपोर्ट करेंगे पीछे से बैठ के। तो ये चीज़, ये मैकेनिज्म, ये चलता नज़र नहीं आ रहा। अगर वो पीछे से बैठ के कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे उन फैसलों की जो करना लाजम है मुल्क के मीशत के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, और एक नींद गरम लेंगे कि हम ऑपोजिशन भी करेंगे, हम पीछे से बैठ के कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे, आईनी ओहदे भी लेना चाहते हैं, पंजाब में भी स्टेक लेना चाहते हैं, और जो कांटों का ताज है जो हम एक माइनॉरिटी हुकूमत को लीड करते हुए हम पहने, तो हमें परफॉर्म करते हुए हम नज़र नहीं आ रहे। तो इसकी हमारा बड़ा इसमें बेसिक सा पॉइंट है कि हम बिल्कुल इसको लीड करने के लिए तैयार हैं अगर कोएलिशन पार्टनर्स जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी उठाएं। ये मुमकिन नहीं है कि वो जिम्मेदारी ना उठाएं और हम आगे बढ़ सकें, एक तो ये हो गया, वरना हम पंजाब पे फोकस करेंगे। तो ये ओवरऑल हमारी ये सोच है। हमने तो ये भी कहा कि अगर इंडिपेंडेंट हुकूमत बनाना चाहते हैं और वो बना सकते हैं तो हम उनको कहते हैं कि वो स्टेप अप करें और वो बना लें। तो ये अभी मामलात हैं। पीपल्स पार्टी को भी हमने ये कहा है
कि अगर आपने कोलिशन का हिस्सा बनना है तो ठीक तरीके से बने, बैक सीट के ऊपर बैठ के हमें आप फ्रंट पे कहें कि एक बिल ना हम पास करें उनकी मर्जी के बगैर, एक हम बजट ना पास कर पाएं क्योंकि हमारे पास नंबर पूरे नहीं है उनकी मर्जी के बगैर, और वो आईनी उदों पे बैठे हों और जिम्मेदारी ना ले रहे हों फैसलों की, तो ये मामला फिर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आप क्या समझते हैं इलेक्शन कंपेन में मंशूर को लेके जिस तरह के दावे किए गए, अब वो पहले डिमांड तो सादा अक्सरियत की थी, अब अगर नहीं मिलती तो वो मंशूर के ऊपर अमल दरामद किस तरीके से होगा? देखिए यासिन, मंसूर के ऊपर बिल्कुल एक कोलिशन हुकूमत जो है और वो भी माइनॉरिटी अगर गवर्नमेंट हो, वो अपने मंशूर को कैसे फुलफिल कर सकती है अगर वो एक असेंबली के अंदर अपना एक एक्ट भी ना पास कर सके, एक बिल भी ना पास कर सके। तो जाहिर सी बात है ये तो एक मशावरती हुकूमत होगी जिसके अंदर फैसले सबको मिलके करने पड़ेंगे, सबको कंसेंसस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा हर मामले पे। मिसाल के तौर पे अगर IMF कहता है कि आपने बिजली के नर्ख महंगे करने, तो इसके ऊपर सबका कंसेंसस होगा तो वो मुमकिन होंगे। हम चाहेंगे कि हम कर लें, कोई कोई कोलिशन पार्टनर कहे कि हमने नहीं करने, तो फिर तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास वो नंबर गेम पूरी नहीं है कि जिसके तहत हम ये मामला आगे लेके चल सकें। एक मिसाल आपको दे रहा हूँ, तो मंशूर बिल्कुल हमारा जो हमने पेश किया, हमारी ख्वाहिश है हम उसे पूरा कर सकें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होगा जब तक सब लोग उसके ऊपर जो है एग्री ना करें, क्योंकि ये हमारे पास तो सिंपल मेजॉरिटी नहीं है। ये वो हकायक हैं कि अब गवर्नेंस जो है, देखें मैं यहाँ तक आपको कहूँगा कि ये जिस तरह का सफ़र आगे के रास्ता है, एक स्टैंड बाई एग्रीमेंट ख़त्म होने जा रहा है, आपको एक 3 साल के IMF के मौदे के अंदर जाना है, ये जिम्मेदारी ना सिर्फ हुकूमत की होगी, रियासती अदारों की होगी, बल्कि अपोजिशन की भी होगी कि वो मुल्की मफाद के अंदर इकट्ठे हों, इकट्ठे मिल के फैसले करें और आगे बढ़ें, वरना ये सफर जो है ये पूरा नहीं हो सकेगा। राणा साहब, जहाँ पे आप मखलूत हुकूमत की पेचीदगियों का तस्करा कर रहे हैं, वहीं पे जरा ये खबर देते हैं जिसके ऊपर मुहरे तस्दीक सब्त किया कल के प्रोग्राम में फैसल करीम कुंडी साहब ने, कि पीपल्स पार्टी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में भी हिस्सादारी की ख्वाहिशमंद है। अगर सियासत से बात ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आ गई है ना, पहले तो ये होता था कि वुजरा इतने हमारे होंगे, इतने आपके होंगे, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हमारा होगा, चेयरमैन सेनेट होगा, स्पीकर होगा, बात ब्यूरोक्रेसी तक आने लगी है। तो जब इस तरह का सेटअप तश्कील पाएगा तो वो बेहतरी को आगे लेके चलेगा या मजीद हडल्स को पैदा करेगा? देखिए ये पॉसिबल नहीं है ना कि आपकी जहाँ 5-6 MPAs आपने जीते हों वहाँ आप ना सिर्फ हुकूमत में हिस्सा मांगे, जबकि हमारे पास वहाँ सिंपल मेजॉरिटी है, हम वहाँ अकेले भी हुकूमत बना सकते हैं। आप वहाँ ना सिर्फ वजारतों में हिस्सा मांगे, वहाँ आप ब्यूरोक्रेसी में हिस्सा मांगे, और फिर आप ऊपर भी कहें कि हमें सारे आईनी अहदे चाहिए हैं और हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, और बाद में आप बन भी जाएं, आपको कौन रोक सकेगा? क्योंकि अगर आपको रोकेंगे तो फिर आप हुकूमत गिरा सकते हैं क्योंकि अकेले हमारे पास नंबर नहीं है। तो ये तो देखें ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमने ये सोचा है कि अगर इसी तरह है तो हमें कोई शौक नहीं है। हमने एक जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि इस वक्त हमें स्टेप अप करना चाहिए है कि हम लीड करें, लीडिंग पार्टनर बने, मुल्क को आगे लेके चलें, लेकिन अगर इस तरह की शरायत होंगी कि जहां हर लिहाज से हमारे हाथ पैर बांध दिए जाएंगे, परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं कि हम जो भी फैसला करना है हमने पूछ के करना है, आगे बढ़ना भी है तो पूछ के बढ़ना है, तो फिर आप या तो उन सारे मामलात में इक्वल हिस्सेदार हों, अगर नहीं होना तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है कि हम पंजाब में हुकूमत बनाए, वफाक में हुकूमत बनाए। अच्छा अब ये बताइए कि जब मियाँ साहब वापस आए थे तो तذکرہ किया जाता था मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का, तो कहा जाता था कि नहीं मियाँ साहब लीड करेंगे तो विजन मुख्तलिफ होगा, बेहतरी आएगी। लेकिन अब मियाँ साहब वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं हैं, शहबाज शरीफ साहब ही होंगे, तो ये दौर PDM के दौर से मुख्तलिफ कैसे होगा? लेकिन बात यह है कि ये PMLN की हुकूमत नहीं है यासिर, अगर हम यहाँ एक पार्टनर हैं, लीडिंग पार्टनर हैं, जब आप कोलिशन के अंदर होते हैं तो जो आपके कोलिशन पार्टनर्स होते हैं उनके आपके हर फैसले में वो उसको उस फैसले को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उस फैसले को तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो कुव्वत है, उनके जब तक उनका उनकी एग्रीमेंट नहीं होगी। लेकिन राणा साहब इसे जवाज बना के तो कोई भी पेश कर सकता है ना, PTI पार्लियामेंटेरियन को पूछें तो वो भी ये कहेंगे हम जो मंशूर लेके आए हमारे पास अक्सरियत होती तो इसका इम्प्लीमेंट किया जा सकता था, अब अक्सरियत नहीं है। हकीकत है,
ये हकीकत है, ये रियलिटी है। अब या तो आप मिलके चलें तो सब कुछ हो जाएगा, अगर मिलके नहीं चलेंगे तो चीजें नहीं होंगी। ये हकीकत मिलके है। मिलके चलने में क्या आजाद उम्मीदवार भी हैं? नहीं बिल्कुल, देखें मैंने तो आपको कहा कि जो अगर कोई ऑपोजिशन का हिस्सा भी बनता है सबको देखें, ये सिस्टम जिस तरह का मैंडेट आया है उसके अंदर कोई भी आप कॉम्बिनेशन बना लें तो कोई भी एक जमात जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, वो हर जमात जो है वो दूसरी जमात के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसका ये मतलब है कि सब अगर इकट्ठे मिलके चलेंगे तो उसका फायदा होगा। अगर कुछ लोग ऑपोजिशन में भी बैठना पसंद करते हैं लेकिन आपके पास जो हुकूमत बना रहे हैं इतने नंबर तो हों कि आप अपने मर्जी से बिल पास करा सकें, बजट पास करा सकें, अगर ये भी नहीं मुमकिन तो फिर तो सबको साथ मिलके चलना होगा ना। तो ये रियलिटी है जिस तरह का मैंडेट आया है। अच्छा आप क्या समझते हैं, पहले तो राणा साहब ये समझाइए कि पीपल्स पार्टी ने इब्तदाई तौर पर, चले अब खबरें तो हैं वो उसको कन्फर्म पीपल्स पार्टी वाले करें या ना करें, खबरें तो हैं कि वो गौर कर रहे हैं काबीना में बैठने के हवाले से, लेकिन किस मंतिक के तहत पीपल्स पार्टी इस बात से पीछे हट गई कि हम काबीना की हिस्सेदारी में नहीं आएंगे? उन्हें उसमें बेनिफिट क्या दिखाई देता है? देखिए मेरे ख्याल से बेनिफिट ये दिखाई देता है कि जो मुश्किल फैसले अगला जो IMF का प्रोग्राम करना है उसके लिए जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है, जो प्राइवेटाइजेशन के मामलात हैं, जो दीगर आपने टैक्स नेट को बढ़ाना है, जो एक्सपेंडिचर को कम करना है, जो डेवलपमेंट के ऊपर जो मामलात हैं, उसका उनको वो कहेंगे कि ये हमारे फैसले तो है ही नहीं, ये तो PMLN के फैसले हैं। लेकिन वो फैसले अगर नहीं करेंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, और वो पीछे बैठे आईनी जो ओहदे हैं उनके ऊपर वो जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है वो ओहदे लेके, और बाद में जब ये फैसले हो जाएंगे तो उस पर वो तनकीद भी कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है वो जिस तरह मर्जी की क्रिटिसिज्म करें। तो मेरे ख्याल से इस चीज को वो चाह रहे हैं कि ये स्किप हो जाए, लेकिन ये ऐसे कोलिशन चलती नहीं है। अच्छा बहुत सी इतलात ये भी थी कि मरियम नवाज साहिबा का नाम बतौर वज़ीर आला पंजाब आने पे जो एक पार्टी का अंदर धड़ा है उसने अपने कुछ तहफ़ुज़ात का इजहार किया है। माजी में हम तो ऐनी शाहिद हैं कि हमजा शहबाज साहब के भी वज़ीर आला बनने पे पार्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो खायफ भी था, बहुत सारे लोग और ऑप्शंस पे भी बात करते थे। तो क्या अंदरूनी तौर पे ये जो खल्फशार है इसके ख़त्म होने के इम्कानात हैं? देखिए मेरी नॉलेज के मुताबिक और जितना मेरी अभी चंद दिनों में मुलाकात हुई है पार्टी के डिफरेंट कह लें कि मेंबर्स के साथ, मुझे कहीं कोई ऐसी डिवाइड नहीं नज़र आई। मरियम नवाज के ऊपर सब मुत्तफिक हैं और कोई मैंने कोई क्रिटिसिज्म नहीं देखा कि ये फैसला जो है गलत है। और वैसे भी मरियम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने अपना जो लोहा है वो मनवाया है, उन्होंने जो स्ट्रगल की है PDM के दौर में और जिस तरीके से कैंपेन वो लीड की है, तो मेरे ख्याल से ये अब अगली लीडरशिप को आना चाहिए और इसमें कोई मुझे कहीं कोई इख्तलाफ नहीं नजर आया। अच्छा अब ये बताइए कि बज़ाहिर अभी बादी नज़र में यही दिखाई दे रहा है कि सेटअप पुराने जैसा होगा, लेकिन पुराने सेटअप के अंदर आप लोगों के बकौल आपने रियासत बचाई थी, अपनी सियासत तबाह की थी, अब नए सेटअप में क्या रियासत बचा के फिर सियासत तबाह करनी है या दोनों को बचाने की तगोदो करनी है, और अगर दोनों की होगी तो उसका फॉर्मूला क्या? देखिए यहां से फर्क है, जो पिछला सेटअप था वो एक टेन्योर का आखिरी लेग थी, आखिरी सफर था, आखिरी 1.5 साल थे हुकूमत के, उसके अंदर आपको फौरी तौर पर फिर इलेक्शन में जाना था। ये जो टेन्योर है ये 5 साल का टेन्योर है, अगर हुकूमत इस टेन्योर को मुकम्मल करती है तो पहले 2-3 साल बिल्कुल फिस्कल डिसिप्लिन के हैं, अनपॉपुलर फैसलों के हैं, लेकिन 2-3 सालों में मुल्क रिकवर कर सकता है अगर आप आज बुनियाद ठीक डालेंगे, अगर आज आप वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के साथ शुरुआत करेंगे तो उसका जो फल है, जो आप पौधा लगाएंगे उसके फल भी आपको इस टेन्योर में मिल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सब कुछ जो है वो बुरा नहीं है, बिल्कुल शुरू में आपको बहुत सारी चीज़ों पे बड़े सख्त फैसले करने होंगे लेकिन उनके नताइज भी इसी टेन्योर में आ जाएंगे। और ये भी बात है, इस कोलिशन का जो एक चैलेंज है वो यही है कि सख्त फैसले आज हम कर लें और आगे जाके जो है जब वो फल का वक्त हो, उनका जब नताइज आ रहे हैं, जब आप सख्त फैसलों वाली बात करते हैं ना राणा एहसान साहब, वो फिर आवाम
तक क्या पैगाम पहुंचाया जाए जो अवाम 30% आपके मुताबिक सस्ती बिजली, पीपल्स पार्टी के मुताबिक 300 यूनिट तक फ्री बिजली, वो उम्मीद उनकी कैसे भराएगी जब बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, IMF के साथ जो शरायत हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर गैस की कीमतों में भी इजाफा करना पड़ रहा है, तो फिर ये रिलीफ कब मिलेगा आवाम को? देखें यासिर, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि अगर हमारा पावर सेक्टर का, जिसमें मैं बिजली और गैस की बात करूँ, कि जो खसारे हैं अगर वो 5,000 अरब को पहुँच गए हैं और अगर वो अब अगले 5 सालों में वो 10,000 अरब को पहुंच जाते हैं तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। तो हमें अगर हमें महंगाई करनी पड़ती है, ये बिजली महंगी करनी पड़ी या गैस महंगी करनी पड़ी, तो उसकी वजह ये है कि उसको महंगे करने से हम अपनी करेंसी को या एक्सचेंज रेट को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि हम IMF के मौदे को पूरा उतर लेते हैं तो हम अपनी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। तो महंगाई करके हम महंगाई को आगे रोक रहे हैं। अगर ये वाली महंगाई ना की जाए, बिजली महंगी या गैस महंगी, और वो खसारे बढ़ते रहेंगे, तो ना आपके कंट्रोल में करेंसी का एक्सचेंज रेट रहेगा, ना आपके कंट्रोल में जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग आपने मुकम्मल करनी है, ना आप उस पर पूरा उतर सकेंगे, ना आप इंटरनेशनल मौदों पर पूरा उतर सकेंगे, तो वो तो बिल्कुल ही आप दिवालियेपन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो रास्ता यही, कटन रास्ता यही है, आपको अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है, जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज हैं उनको आपने प्राइवेटाइज करना है। लेकिन ये सारी बातें आपके तहीं तो ठीक हैं, अगर टेक्निकली बुनियादों पे देखें तो तब भी ठीक हैं, लेकिन आपको ये इतना तो बावर हो चुका होगा कि अवाम की समझ में ये बातें नहीं आती हैं, जिसका खुमियाजा आपको इलेक्शन के नतीजे में भी भुगतने को मिला है। तो अगर इसी तरीके से ये सेटअप आगे चलेगा तो फिर उसका इफेक्ट आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा अगर अवाम की रिटेलिएशन मजीद बढ़ गई तो? या सिर्फ बात यह है कि रास्ता तो यही है ना करेक्शन का, और मसला ये है कि पाकिस्तान के पास अब गुंजाइश नहीं है। पहले गुंजाइश थी कि आपके दोस्त ममालिक आपको सपोर्ट कर देते थे, कोई हेल्प आउट कर देते थे, अब कोई भी इस चीज के लिए तैयार नहीं है। सब समझते हैं, दुनिया के आप समझती है, आपके दोस्त ममालिक समझते हैं कि आपको रिफॉर्म्स करनी है, IMF के साथ आगे बढ़ना है, तो तभी वो आपके साथ चलेंगे, तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर ये रास्ता ना अपनाया, हम अगर हुकूमत में आते हैं, हमने ना अपनाया, कोई और हुकूमत में आता है, इंडिपेंडेंट हुकूमत बना लें, उन्होंने ये रास्ता ना अपनाया, तो सफ़र तो अवाम ही करेगी, सफ़र मीशत करेगी, मुल्क दोबारा कोलैप्स की तरफ चला जाना शुरू हो जाएगा। तो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि कोई और रास्ता अपना के कोई पॉपुलिस्ट आप हुकूमत करें कि जिसमें आप एक जाली रिलीफ दें, आपके पास कर्जे पे आप कर्जों पे चल रहे हैं और कर्जा लेके आप निछावर कर दें, और वो तो सूद समेत फिर आवाम के लिए और हुक्मरान के लिए बराबर का मयार होना चाहिए ना। अब बाहर आप ढाबे पे 70 रुपए की चाय पी लें और पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अगर आपने वहाँ पे चाय मंगवानी हो तो आपको 10 रुपए की मिले, तो ये फिर तफरकाबाजी अगर ख़त्म होगी तभी आवाम तक कोई मुस्बत पैगाम जाएगा ना। बिल्कुल यासिर, आपको सब्सिडीज ख़त्म करनी पड़ेगी, आपको सारे एक्स्ट्रा खर्चे ख़त्म करने होंगे, और बिल्कुल ये सब कुछ करना होगा, और इसके बगैर गुजारा नहीं है, आप सही कह रहे हैं। अब वो जो बिलावल वाला ऑप्शन है वजारतें ख़त्म करने का, क्या उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मानेगी? देखें, हम अगर मान भी जाएं तो ये तभी मुमकिन होगा कि पीपल्स पार्टी भी इसको माने और MQM भी इसको माने, तो फिर ये मुमकिन होगा। अगर उसमें से एक फरीक भी ऐसा निकला जो ना माना, तो फिर ये मुमकिन नहीं होगा। अच्छा, मौलाना के आखिरी सवाल, मौलाना के बारे में क्या राय रखते हैं कि मौलाना ने हाथ बढ़ा लिया उस तरफ को जिस तरफ को आपकी उम्मीद भी नहीं थी, तो क्या वजह है कि आप लोगों ने हाथ पीछे झटका है या मौलाना ने हाथ बढ़ाने में जल्दी कर ली? देखिए, पावर पॉलिटिक्स है यासिर, हर कोई चाह रहा है कि उसको कोई स्टेक मिले, और वो बार्गेन कर रहा है, वो इस तर्ज सियासत से उसकी ये कोशिश है कि उसको कोई हिस्सा जितना रिजल्ट आया उससे बढ़ चढ़ के मिल जाए। तो अभी तो ये पावर पॉलिटिक्स भी चल रही है, और अगर जमातें कोई मसल दिखा रही हैं तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि एक बार्गेनिंग का माहौल है। समझने की ये बात है कि मुल्क सांझा है, इसमें किसी को कोई अगर हिस्सा थोड़ा हुकूमत में भी मिल जाए, किसी को ज़्यादा भी मिल जाए,
लेकिन आवाम के मसाइल हल होने चाहिए, इसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं होना चाहिए। अगर ये आपस का लड़ाई झगड़े ना ख़त्म हुए तो मेरे ख्याल से पूरी किश्ती डूब सकती है, मुल्क साझा है, लड़ाई ख़त्म ना हुई तो ये किश्ती डूब सकती है। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, इस हवाले से अपना वली नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। पाकिस्तान की इसी सियासी मंजरनामे पे हुकूमत कौन बना रहा है और नंबर गेम किसकी पूरी होगी, किसके क्या नज़रियात हैं और उन्हीं नज़रियात को लेके इकदामात क्या उठाए जा रहे हैं, अभी तक के जो रवाबित हैं उसका समर किसको देखने को मिला है, अभी तक जितने मुज़ाकरात के अदवार चले हैं मुख्तलिफ जमातों में क्या उसमें कोई ब्रेक थ्रू हो चुका है या अभी भी डेड लॉक बरकरार है, इसी बारे में बात करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फ़िक़्ह के सीनियर रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान साहब सवाल एक ये है जो काफ़ी दिनों से मुख्तलिफ हलकों में गर्दिश कर रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो थे उनको तो सूट मियाँ साहब और जरदारी साहब कर रहे थे, कोलेशन पार्टनर के तौर पर भी आपने हुकूमत की है, लेकिन अब की बार ऐसा क्या हुआ कि इनके साथ मेल मुलाकात या इनके साथ रवाबित बढ़ाने की बजाय आपने आज़ाद उम्मीदवार या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सबसे पहले मुज़ाकरात का दौर चला लिया? देखिए शायद जरदारी साहब को या मियां साहब को हम सूट नहीं कर रहे थे, वाइब्स जो हम तक पहुंची हैं वो इसी तरह से वाइब्स आई हैं और विज़ो पीटीआई के साथ मामला ये हुआ कि हमारा और उनका मौकफ एक पॉइंट पे एक जैसा हो गया, यानी दांडी के हवाले से। तो खैबर पख्तूनख्वा में जो है ना हमारे साथ जो ज्यादती हुई है वो तो बहुत बड़ी है, भले वहां पर हमारा इंटरेस्ट भी कैच करता है पीटीआई के साथ क्योंकि बेनिफिशरी जो है वो पीटीआई है, मगर इसके साथ साथ सिंध में भी हमारे साथ इसी तरह से हाथ हुआ है, पंजाब में कुछ सीटों पे हुआ है, बलूचिस्तान में कई सारी सीटों पे हुआ है। तो ये सारे मामला हैं, अब देखना पड़ेगा, इसमें कोई बैलेंस ड्रॉ करना पड़ेगा अल्टीमेट। लेकिन अगर बात करें सिंध की तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपको ज्यादा तहफ़ुज़ात हैं इलेक्शन के नतज को लेके, लेकिन मेनली हम दो सूबों से बिलोंग करते हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा और एक सूबा बलूचिस्तान। ये हमारा जो है अब भी मतलब 10 या 11 सीटें जो है वो सूबाई असम्बली में हमारी हैं, जो यूआई की है 51 के हाउस में जो जनरल सीट्स हैं, इसी तरह से कौमी असम्बली में 16 में से 4 हमारी हैं, मगर ये 4 नहीं बनती थी, ये कम अज कम 6-7 तक जाती थी बात, और वो 10 नहीं बनती थी, वो कम अज कम जो है 15+ पे जाती थी बात, मगर ये सारा कुछ जो है ना जो साइज कर्टेल किया गया है जिसमें बाज़ लोगों की ख्वाहिश थी कि मौलाना को साइज में रखा जाए, तो वो फिर मौलाना को जो साइज में रखने की ख्वाहिश थी जहाँ जहाँ पे इस तरह की बात हुई थी तो बात तो निकल जाती है, जब मुंह से निकले तो फिर दूसरे के कान तक भी पहुंच जाती है। लेकिन क्या वजह है कामरान मुर्तज़ा साहब के पहले दिन बहुत सख्त रहे मौलाना और दूसरे दिन उनके लहजे में कुछ लचक दिखाई दी, तो मुख्तलिफ हल्के ये बात कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आपसे राबिता कर लिया और कोई यकीन दहानी करवा दी जिसके बाद मौलाना के लहजे में कुछ नरमी देखने को मिली? नहीं, उससे पहले जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो उससे पहले जो है वो शहबाज शरीफ तशरीफ लाए थे और मौलाना साहब ने कहा था कि मेरी आमला का इजलास हो रहा है तो जो मैं आपकी रिक्वेस्ट जो है आमला के सामने रख दूंगा और उसके बाद जो आमला का जवाब होगा वो आपको पहुंचा दूंगा, तो वो आमला का जवाब था। अब अगर कोई चीज जो है वो रिव्यू भी करनी है तो वो आमला खुद कर सकती है या फिर इसको जनरल हाउस में रखा जाके उसको वो कर सकते हैं, मौलाना शायद अकेले जो है इस मामले को वो नहीं अंडू नहीं कर सकते। अच्छा, बलूचिस्तान के इस वक्त सूरत हाल आप क्या देखते हैं? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब जो दावेदार हैं कि वहाँ पे वज़ीर आला जियाला होगा, नंबर गेम से आपको मजबूती उनकी दिखाई देती? पीपल्स पार्टी को सारा कुछ चाहिए, सदर भी चाहिए, स्पीकर भी चाहिए, चेयरमैन सेनेट भी चाहिए, सिंध भी चाहिए, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि तो दूसरों की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ उनके हवाले कर देते हैं पीपल्स पार्टी, तो बहुत बहुत बड़ी डिमांड उन्होंने रखी हुई है, तो यकीनन जो है पता नहीं उस साइज में है शायद। आप इससे आपके इल्म में है कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में भी हिस्सादारी मांगी? पंजाब में भी दिया, वो भी मुझे पता है, पंजाब में भी वो शेयर मांग रहे हैं, तो ये सारा कुछ अगर उसको चाहिए तो फिर बाकी लोग जो है ना वो चादर उठाते हैं कंधे पे डालते हैं चलते बंदे।
कामरान मुर्तजा साहब क्या समझते हैं इब्तदाई तौर पे ये कैबिनेट से बाहर होने के पीछे मसलहत क्या है? वो क्या समझते हैं कि कैबिनेट की हिस्सेदारी लेके हमारे सर पे क्या आएगा और उससे बाहर रह के क्या मिलेगा? देखिए, कैबिनेट में अगर आप मौजूद हो तो वो कैबिनेट में मसला ये होता है कि जिम्मेदारी भी आपकी होती है और अगर कोई कल कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान में भी आप शरीक होते हैं। और अगर आप सिर्फ दस्तूरी अहदे ले लें, चेयरमैन सेनेट ले लें, स्पीकर ले लें, डेप्टी स्पीकर ले लें, डेप्टी चेयरमैन ले लें, सदर पाकिस्तान ले लें, तो कल जो ना आप आसानी से कहिए ये तो सारे दस्तूरी अहदे थे, मेरा तो कोई इख्तियार नहीं था, बड़ा आसान हो जाता है ये मामला जो है वो उसको डील करना। तो आप समझते हैं ना कि उसके असरात फिर इस इलेक्शन में भी देखने को मिले? जाहिर है वो लोग तो सारी चीजें देख भी रहे होते हैं, उस पर सोच भी रहे होते हैं, उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं, तो ये सारे मामला हैं इलेक्शन में भी। मगर इलेक्शन के असरात का मामला जो है वो कुछ तो आवाम के ऊपर होता है, मगर कुछ जो है वो जो इंस्टीट्यूशनल जो है वो रिस्पॉन्स होता है वो उसके ऊपर हमारा एतराज जो बनता है। पब्लिक जो मर्जी कह ले कर ले वो हमारे सर आंखों के ऊपर, क्योंकि वो उन्हीं के वोट से आना होता है, मगर अगर कोई अदारे कुछ जो है ना वो कुछ कर ले और कह ले तो फिर मामला जो है वो दुरुस्त नहीं करते। अच्छा, जब आप ये बात रखते हैं कि हमारे साथ भी धांधली हुई और हमारी नशस्तें कम की गई हैं, तो गालिबन कल को है वो दरख्वास्त के ऊपर समाअत जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की गई है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस कर रहे हैं, 3 रुकनी बेंच है, तो क्या उसमें फरीक बनने की दरख्वास्त देंगे आप? फरीक बनने की दरख्वास्त मेरी मौलाना साहब से जो सुबह कन्वर्सेशन हुई है, कुछ मैसेजेस का तबादला हुआ है, मगर उसमें मुझे ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई, मगर मेरे अपने जाती ख्याल में, अब पार्टी क्या फैसला करती है मुझे नहीं पता, मगर जाती ख्याल के मुताबिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इस तरह से मैटर्स को इंटरटेन नहीं कर सकती, आर्टिकल 225 का बार है। अब ये जाती ख्याल है, मगर इसके बावजूद भी जो ना अगर पार्टी कुछ कहेगी तो मैं स्टेपन हो जाऊंगा। अच्छा, वो दरख्वास्त कितनी कानूनी है, क्योंकि आप माहिरे कवानीन भी हैं, कि जिसके अंदर ये दरख्वास्त की गई है कि इलेक्शन दोबारा करवाए जाएं 30 दिन के में और वो भी अदलिया के आरूज के अंदर। बात ये है कि बजाय थ्योरी पे चले जाएं तो थ्योरी में शायद ये बात अच्छी लगे, मगर अगर बुक पे चले जाएं तो फिर शायद इस तरह से पूरे इलेक्शन को स्क्रैप करने का कोई तरीका कार मौजूद नहीं है कानून। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ये करेगी, पहला सवाल तो ये होगा कि ठीक है आपकी पिटीशन आ गई, ये आपकी प्रेयर भी हमने सुन ली, इलेक्शन दोबारा करवाए जाएं, स्क्रैप करवाए जाएं, स्क्रैप हो जाएं ये पुराने इलेक्शन, मगर किस कानून में, इसका जवाब जो है कम अज कम मेरे, अगर फर्ज करें कि मैं वकील हूं तो मेरे पास नहीं है। सही। एक आखिरी सवाल कामरान मुर्तजा साहब के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन बेंचेस में बैठने की ख्वाहिशमंद, दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इंदिया दे दिया कि ना हुआ तो हम अपोजिशन बेंचेस में भी बैठ जाएंगे, अगर पीएमएलएन और पीपीपी अपोजिशन बेंच में बैठी हुई तो जेयूआईएफए कहां पे होगी? मेरा ख्याल है सबसे सेफ जो है, जो मेरा अपना जाती ख्याल है, पार्टी ने फैसला अभी करना है पार्टी क्या करेगी पार्टी, मगर मेरा ख्याल ये है कि अपोजिशन बेंचेस पे बैठना सबसे ज्यादा सेफ है। अपोजिशन बेंच पे बैठना सबसे ज्यादा सेफ है और जमन में पार्टी जो फैसला करेगी वही माना जाएगा। बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब इस अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले जिस तरीके से हम तज़किरा कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी विफाक में अब हुकूमत बनाने के दावेदार है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इब्तदाई तौर पर ये कह रही थी कि कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़राए भी ये बता रहे थे कि जब नंबर गेम पूरी नहीं हो रही तो बेशुमार लोग ये भी राय रख रहे हैं कि हम अपोजिशन बेंचेस का हिस्सा बन जाएं, लेकिन कुछ ज़राए ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अभी जो ऑफ़र की गई वो ये की गई कि 3 साल हुकूमत हम बनाते हैं, 2 साल आप बना लीजिए। तो ज़रा ये भी कंफर्म करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पे माजरत कर ली कि इस तरह सेटअप का हिस्सा हम नहीं बनेंगे,
लेकिन जहां पे काबीना का हिस्सा बनने की बात है, तो काबीना का हिस्सा बनने के लिए दोबारा से एक मशवरा करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है, तो इसकी क्या ताईद की जाती है, तरदीद की जाती है, इसी बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। शर्मिला फारूकी साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शर्मिला फारूकी साहिबा, सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा बनने पर दोबारा गौर करेगी, क्या कन्फर्मेशन देती हैं आप इसकी? जी शुक्रिया यासिर साहब। देखिए, इस किस्म की कोई इस वक्त बातचीत इस पर नहीं हो रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने पीसी के दो रोज़ा इजलास के बाद बड़े वाजा फैसला किया था कि हम गो के पीएमएलएन को हुकूमत साजी में उनको मदद करेंगे विद आर नंबर्स, लेकिन हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, और आज तक यही फैसला है। देखिए, हमारी जो इस वक्त जो काविश है वो यही है कि इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आ जाए, हुकूमत साजी हो जाए, मुल्क में वजीर आजम हो, उनकी काबीना हो, मुल्क की भाग दौड़ संभालें, अवामी मसाइल जो है उनके हल की जानब चलें, पार्लिमानी निज़ाम जो है इन प्लेस आए, पार्लियामेंट चले, पार्लियामेंट के अंदर अवामी नुमाइंदे बैठें। और इसी वजह से हमने ये फैसला किया था मुल्क के वसी तर मफाद में कि हम पीएमएलएन को वजीर आजम चुनने और हुकूमत बनाने के अंदर उनकी मदद करेंगे। शर्मिला फारूकी साहिबा, आप पंजाब में ब्यूरोक्रेसी में हिस्सादारी लेने की क्या ताईद करती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह कहा है कि पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के अंदर हम अपनी नुमाइंदगी चाहते हैं? नहीं, देखिए, ब्यूरोक्रेसी काबिल होनी चाहिए, वो लोग उन अहदों पे होने चाहिए जो काबिल हैं, जो अपना काम समझते हैं। ब्यूरोक्रेसी किसी की नहीं, एक शख्स की, किसी एक जमात की या किसी एक फर्द की नहीं होनी चाहिए। शर्मिला फारूकी साहबा, एक अफवाह ये भी गर्दिश कर रही है कि आपको मजबूर कर दिया जाएगा और आपको हुकूमत का हिस्सा बनना पड़ेगा, और अगर मुल्क के वसी तर मफाद में ये कह दिया जाता है और आपको मजबूर किया जाता है तो फिर कितने परसेंट चांस है? देखिए जी, इस वक्त तो ऐसी कोई मजबूरी हमारे सामने नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई नौबत आती है कि हमारी वाकता काबीना में शमूलियत के हवाले से कोई ज़रूरत पड़ती है या हमारे एक्सपर्टीज की ज़रूरत पड़ती है, तो अगेन ये मामला सीसी के अंदर जाएगा, ये मामला ऐसे इसका फैसला नहीं होगा। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि अभी तक यही फैसला है और इस पर हम कायम हैं कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे और हम हुकूमत साजी के अंदर बिल्कुल पीएमएलएन की मदद करेंगे और अच्छी कानून साजी में उनका साथ देंगे, अवामी मसाइल में जो केस टू केस हम देखेंगे कि किस तरीके से हुकूमत चल रही है और उसके ऊपर फिर हम फैसला करके उनको साथ देंगे या ना देंगे, इसका फैसला केस टू केस होगा। और पार्लियामान के अंदर और बाहर हम ये चाहते हैं कि एक जमहूरी निज़ाम कायम हो, एक ऐसी हुकूमत कायम हो जो अवाम के मसाइल के जानेब गामजन हो। देखिए, पीपल्स पार्टी का मंशूर एक अवामी मंशूर है, पीएमएलएन का मंशूर अलग मंशूर है, हम दोनों जमातों की आइडियोलॉजीज बड़ी मुख्तलिफ हैं। पार्लियामान में बैठ के हम एक इंतहाई मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं, जहां पीएमएलएन को हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम बिल्कुल उनकी मदद के लिए सामने आएंगे, चाहे वो कानून साजी के अंदर हो, लेकिन वो कानून साजी जो अवामी मसाइल की जानिब हो, मुल्क की मफाद में हो, चाहे वो सियासत के हवाले से हो, चाहे वो मीशत के हवाले से हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हो। पीपल्स पार्टी जो है हर तरीके से ये कोशिश करेगी कि निज़ाम जो है वो चलता रहे। देखिए, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत लाने के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ पीपल्स पार्टी ने दी, और हम हमेशा जमहूरी अमल को कायम और दायम रखने की बात करते हैं और अमली तौर पर भी बात करते हैं, तो यहाँ पर भी हमारी कोशिश इस वक्त देखें बड़ी पोलराइजेशन है मुल्क के अंदर, किसी भी एक जमात के पास वो अक्सरियत मौजूद नहीं है कि वो अकेले हुकूमत साजी कर सके। इसलिए पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया, जब पीएमएलएन ने हमसे राबता किया और हमसे दरख्वास्त की कि वो हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो इसीलिए हमने ये फैसला किया कि हमें उनको हुकूमत बनाने में उनकी मदद करनी चाहिए, वरना तो निज़ाम बैठ जाएगा, कोई हुकूमत नहीं बना सकेगा, और शायद हम फिर एक ऐसा सिनेरियो देख रहे हों जो शायद मुल्क में पहले हमने कभी ना देखा हो, एक अनारकी का सिनेरियो होगा, अफरा तफरी का होगा। इस वक्त तमाम जो आवाम है उस सबकी नज़रें हम पे हैं, जिन लोगों ने जिस जमात को भी वोट दिया, हमें वोट दिया, हमारे 18% वोटर्स में इजाफा हुआ है,
PMLN के 3% में हुआ है, PTI के 13% में हुआ है. सब लोग चाहते हैं कि वोट देने के लिए लोग बाहर क्यों निकले, बिकॉज दे वॉन्टेड द सिस्टम टू वर्क. लोगों ने एतमाद किया इस प्रोसेस में इलेक्शन के, बाहर निकले वोट दिए, उनको आप मायूस तो नहीं करते. अच्छा शर्मिला फारूकी साहब, ये बताइए कि अगर MQM सिंध के अंदर आपके साथ मखलूत हुकूमत बनाने की ख्वाहिशमंद हो, गो के आपके पास सादा अक्सरियत मौजूद है हुकूमत बनाने के लिए, तो क्या उन्हें उस सेटअप का हिस्सा बनाया जाएगा या किसी की शराकत दारी नहीं होगी? ख्वाहिशात से तो किसी के कोई पैरा नहीं है ना. ख्वाहिश तो उनकी ये भी है कि मुस्तफ़ा कमाल वजीर आजम बन जाए, तो ख्वाहिशात से तो फिर हुकूमतें नहीं चलती हैं. तो मैं इसका क्या जवाब दूँ आपको? उसमें बात तो यही है कि आपके पास सादा अक्सरियत है, लेकिन गुडविल जेस्चर के तौर पर पूछ रहा हूँ सिर्फ सवाल. नहीं, हुकूमतें गुडविल जेस्चर पर नहीं चलती थी. आई थिंक गवर्नरशिप शायद वो रिटेन करेंगे, तो उनका गवर्नर है, हमारा वज़ीर आला होगा, हमारी कैबिनेट होगी, असेंबली में अपना वो मुस्बत किरदार अदा करें. अच्छा शमीला साहब, GDA जो है वो सिर्फ इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लगा रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये इलेक्शन से पहले भी हमने इस पर बड़े तबसरे किए, जब से ये सवाल पूछा जाता था कि क्या GDA थ्रेट टू पीपल्स पार्टी और GDA जो है मुस्तहकम होगी और वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी, तो हर दफ़ा इलेक्शन पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही लड़ती है. पिछली दफ़ा उनकी 3 सीटें आई थी नेशनल असम्बली की. एक वो मेहर साहब थे, शेरियार मेहर के वालद साहब, अब उनके बेटे खड़े हुए हैं और उन्होंने पीपल्स पार्टी में पहले ही शमूलियत अख्तियार कर ली है, तो वो सीट हमारे पास आ गई. और फिर एक सगारा साहब के भाई थे, वो इलेक्शन हार गए. और दूसरे एक थे वो शाज़े मरीज इलेक्शन हार गए. तो अब एक अवाम जब वोट नहीं देना चाहती उनको और ये सब बड़ी लीड से हारे हैं, ये नहीं तो कोई 500,000 वोट की लीड है, 20-25 हज़ार, कहीं 40,000 की लीड है. तो यहाँ पर देखिए इलेक्शन में हार जीत होती है, लेकिन इसका मतलब ये देखिए पूरे सिंध के अंदर, पूरे सिंध में मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया है, लिटरली स्वीप किया है. और हम ये कहते थे बिकॉज हम हर जिले के अंदर हमने काम किया. अभी जो सैलाब आए थे ना, उस सैलाब में पीपल्स पार्टी वाहिद जमात थी, एक एक नुमाइंदा. और मैं ये वसूख से कह रही हूँ कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे पता है मेरे कॉलीग्स हैं सारे, मेरे MPA, एक एक MPA अपने अपने हलके में बैठा था, वहां से वो हिला नहीं, सिर्फ पीपल्स पार्टी बैठी थी. और फिर ये जो सैलाब जदगान का घर बनाने का बेड़ा उठाया, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा तामीराती प्रोग्राम पीपल्स पार्टी ने शुरू किया, 3.5 लाख घर बना के हम बेचे थे. और अगर ये अगस्त के अंदर फंड ना रोकता इलेक्शन कमीशन, तो शायद अभी लाखों घर और बन चुके होते. और इंशाल्लाह जैसी हुकूमत आएगी हम दोबारा ये सबसे पहला काम ही हम शुरू करेंगे. कौन उनके दुख दर्द में तकलीफ में उनके साथ खड़ा है? पीपल्स पार्टी. क्यों नहीं देंगे आप वोट भाई उनको? ये तो आप इनमें से GDA में से कोई एक शख्स वहां पर मौजूद था सैलाब में, मुझे बता दीजिए, कोई मुझे कोई तस्वीर दिखा दें, कोई मुझे दिखा दे कि वो उनके साथ उनके जो घर जब बह रहे थे, माल मवेशी बह रहे थे, कोई एक शख्स खड़ा था? No one except पीपल्स पार्टी. तो आप जब आपकी तकलीफ में दुख में कोई घर आपके साथ खड़ा है, आपको घर बना के दे रहा है, आपके लिए टेंट लगा रहा है, आपको खाना पहुंचा रहा है, फिलहाल वो आप उसको देंगे ना वोट? या आप उसको देंगे जो अपने घर में ठंडी मशीनों में AC चला के बैठा हुआ है और टेलीविजन पे देख रहा है, आप उसको वोट देंगे? तो फिर शर्मिला फारूकी साहिबा, आप क्या समझती हैं MQM की जो नशस्तें हैं जिनके अंदर इजाफा हुआ है, वो किस बुनियाद के ऊपर हुआ? आप मुझसे बड़े मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं जिनका जवाब मैं आपको देना चाहती हूँ लेकिन मजबूरी के तहत नहीं दे पा रही, क्योंकि आज तो उमर अयूब साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, उन्होंने कहा जी हमारे मैंडेट पे MQM ने डाका डाला. अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये क्लेम करती है. पता है मुझे बड़ी हंसी आती है जब PTI और MQM एक दूसरे के मैंडेट की बात करते हैं ना. 2018 में इनका मैंडेट था PTI का, और इस वक्त तो मैं कुछ क्या कहूँ. नहीं, नहीं, अब आप 2018 पे कमेंट कर रही हैं तो फिर 2024 में भी तो करना चाहिए. 2018 के अंदर तितर बितर थी MQM, तितर बितर. मुझे तो आज तक नहीं पता चला ये नाम क्या है, कोई भादराबाद ग्रुप है, कोई पीर कॉलोनी ग्रुप है, कोई लंदन ग्रुप है, कोई पाकिस्तान ग्रुप है. बिखर चुकी थी, टूट चुके थे आपस में. क्या वो इलेक्शन लड़ते, वो जो एक स्पेस आई थी बीच में
वो पी टी आई ने कैप्चर कर ली, पीपल्स पार्टी ने काम करना शुरू किया, खदमत करी हमारे हर इसके कराची के हर जिले में हमारे काउंसलर्स इलेक्ट हुए हैं, आज मेयर पीपल्स पार्टी के, पीपल्स पार्टी ने काम किया और हमारी और सीटें निकल, हमें तो वो कौन सा हल्का है जिसमें बेचारे हमारे वो हरा दिया गया या हार गए बेचारे वो। अच्छा, जब आप ये बात कर रही हैं कि हरा दिया गया या हार गए, तो कानूनी फॉर्म पे जाके चैलेंज नहीं करेंगे? कर दिया, चैलेंज कर दिया है इलेक्शन कमीशन के सामने, वो तो वीडियो सामने, वो वीडियो आपने देखी नहीं किस तरीके से वो मुस्तफा कमाल वहां से बाहर निकल रहे हैं वो दबे भर भर के, वो वीडियो नहीं देखी आपने? दैट इज एन एविडेंस, मतलब वो जिस तरीके से वहां पर हुआ वो वीडियो तो इलेक्शन वाले दिन से चल रही है वहां पर। तो ये चीजें हैं, पीपल्स पार्टी को भी तहफात हैं कुछ हलकों के ऊपर है, लाहौर में है, हमें कराची के अंदर है, तो हम तो जो, लेकिन जो लीगल फॉरम है जो अभी हम धरने नहीं दे रहे, हम जो प्रोसेस है, अब हारे वो मौलाना साहब खैबर पख्तूनख्वा में है कि धरना देना है सिंध के अंदर, अरे भाई इलेक्शन कमीशन के सामने जाओ वहां पर धरना दें आप, खैबर पख्तूनख्वा में धरना दें आप, वहां हिम्मत है नहीं धरना देने की? नहीं, मौलाना के साथ हुआ क्या? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो कुर्बत उनकी अच्छी है, जरदारी साहब के साथ भी अच्छी है, कुर्बत अपनी जगह, लेकिन बात हक की करे ना, हारे आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, धरना आप देने जा रहे हैं सिंध के अंदर, मतलब समझ से बाहर है ना, या तो आप इलेक्शन कमीशन के पास है, पीपल्स पार्टी ने तो आपको नहीं हराया ना, अगर आप इलेक्शन हार गए केपीके के अंदर तो पीपल्स पार्टी का कसूर तो नहीं है ना भाई, ये आप अपने गिरबान में भी कुछ झांक के देखें, आप खराब हुआ देखें कि आप क्या हुआ, क्योंकि पीडीएम की हुकूमत के ना तो सबसे बड़ी बेनिफिशरी जेयूआईएफ थी, वजारतें भी इनके पास थी, सारी चीजें भी इनके पास थी, और फिर इतनी खदमत करी आपने आवाम की। नहीं, अगर अब हुकूमत बनती है, मिसाल के तौर पे आप ये कहती हैं कि पीपल्स पार्टी पीएमएलएन को वोट देगी, तो क्या उसमें मौलाना की कहीं भी एडजस्टमेंट नहीं होगी? ये तो पीएमएलएन वालों से पूछे, हम तो ना एडजस्ट करने वालों में से है ना डीजस्ट करने वालों में से है, तो हम तो कुछ नहीं, हमारे लिए देखे फॉर अस फॉर पीपल्स पार्टी एवरीबडी इज रिस्पेक्टेबल, हम सब के लिए दिल में एहतराम रखते हैं और मेरे लिए तो बोलाना साहब बिल्कुल काबिल एहतराम है, लेकिन बात यह है कि हार जीत ये प्रोसेस है, ये इलेक्शन का है, कोई हारता है तो कोई जीतता है, कोई जीतता है तो कोई हारता है, तो किसी एक ने जीतना होता है बाकी ने हारना होता है। अब मौलाना साहब की ग्रीवेंसेज होंगी अपनी जगह, लेकिन वो जो राइट फोरम है वहां जाके एहतजाज करें। अच्छा शर्मिला साहब, ये बताइए, ख्वाजा आसिफ साहब, अब पीडीए वाले यहाँ कहते हैं कि जी वो इंटरनेट बंद कर दिया, पीपल्स पार्टी ने तो बंद नहीं किया, हम तो खुद सरापा एहतजाज थे कि क्यों बंद हुआ, पीपल्स पार्टी वॉज द फर्स्ट पार्टी जिसका डेलीगेशन किया इलेक्शन कमीशन ये दरख्वास्त लेके कि इंटरनेट खोलें, हमसे क्यों शिकायत कर रहे हैं? अच्छा ख्वाजा आसिफ साहब, ये इंडिया देते हैं कि हम अपोजिशन बेंचेस में भी बैठ सकते हैं, फर्ज कर लें नून लीग अपोजिशन बेंचेस में बैठी हुई, तो पीपल्स पार्टी कौन से बेंच पे बैठी होगी? देखिए जी, ये अगेन पीएमएलएन बैठ ही ना जाए अपोजिशन बेंचेस पे, पीपल्स पार्टी, देखिए पीपल्स पार्टी का एक वाहिद एक सिनेरियो है और वो ये है कि हमने अवाम की खिदमत करनी है, हमने सिस्टम को चलाना है, हमने सिस्टम को डिरेल नहीं होने, ये 50 अरब रुपए के इलेक्शन अभी आपने करवाए हैं, क्या ये मुल्क इस बात का मुतहम्मिल है कि हम कोई आगे 6 महीने बाद या 2 महीने बाद भी इलेक्शन के अंदर जाए? नहीं, देखिए जिसको जितना मैंडेट मिला है कम अज़ कम मुल्क की खातिर तो काम करें, अवाम की खातिर तो काम करें, हो क्या रहा है, इवन राइट नाउ एज यू एंड आई टॉक आवाम तो पिस रही है ना एक वक्त की रोटी खाने को है, बिजली का बिल दे नहीं सकते, बच्चों की फीस दे नहीं सकते, किस तरीके से सिस्टम चल रहा है, सिस्टम तो बैठ गया है, सियासी गैर इस्तेकामी, माशी बदहाली, ये मुल्क का जो हाल हुआ है ये पता नहीं किस तरह, ये अल्लाह के नाम पे बना है तो बस इसी तरीके से ये चल रहा है, खुदारा सिस्टम को आने दें, इस मुल्क में जमहूरी अमल को चलने दें, कुछ लोगों के मसले हल हों, कुछ सियासी इस्तेहकाम आए तो मईशत का पहिया चले, कुछ मामलात आगे चलें, लोगों को कुछ रिलीफ मिले, लोग मर चुके हैं, जिसको जितना मैंडेट मिला है उसी के मुताबिक हुकूमत बननी चाहिए और आवाम की बेहतरी के लिए इकदाम उठाने चाहिए। बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहब इस हवाले से अपना वक्त। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।